जय जिनेंद्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन आप सबके बीच फिर एक नए धर्म गेम आइडिया के साथ। जैसा कि स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं, आज का गेम है खुल जाओ सिम सिम। ढेर सारे गिफ्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसी तरह आप होस्ट को भी तैयारी करनी होगी इस गेम के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ आज का गेम क्या है। इन सब गेम को बनाने के पीछे आप तो जानते हैं मेरा उद्देश्य क्या होता है, खेल खेल के माध्यम से धर्म ज्ञान को अर्जन करना। तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे, इसके लिए होस्ट को क्या तैयारियां करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो होस्ट को ढेर सारे गिफ्ट पैकिंग करने होंगे। कुछ गिफ्ट ऐसे आपको जितने प्राइस देने हैं उसके अनुसार आप गिफ्ट के अंदर रख सकते हैं। मतलब आप कुछ गिफ्ट्स ऐसे ही खाली डब्बे में कुछ भी नहीं होगा पर आपको रैप करके रख लीजिए, और कुछ डब्बों के अंदर आप गिफ्ट रख लीजिए। यानी कि यहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट आपको रखने हैं, बट किसी में गिफ्ट होंगे और कुछ बॉक्स खाली ही होंगे। ऐसे आपको गिफ्ट तैयार करने हैं। और अब आप होस्ट को क्या तैयारी करनी होगी, दो बाउल लेने हैं और सवाल जवाब उसमें बनाने होंगे। एक बाउल में आप सवाल जवाब बनाएंगी जिसके आंसर बहुत ही शॉर्ट में देने होते हैं, एक शब्द में देने हो या एक लाइन में देने हो उतने। और एक बाउल में आप सवाल जवाब बनाएंगी जिसके आंसर थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ, जैसे छोटे सवाल बनाने थे, जैसे नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं, जैसे नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं, तो उसका जवाब सिर्फ 58 मात्राएं हैं, बस इतना ही आंसर है। और फिर बड़े सवाल के लिए जैसे परमेष्टि कितने होते हैं, उनके नाम क्या है, तो परमेष्टि 5 होते, उनके नाम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे पंच परमेष्टि है। तो कुछ छोटे छोटे सवाल और कुछ बड़े सवाल ऐसे दो बाउल में आपको अलग अलग से बनाने होंगे, और होस्ट को ढेर सारे सवाल बनाने होंगे। हमारे जैन धर्म से संबंधित ढेर सारे सवाल हैं जिससे बहुत सारी जानकारियाँ निकल के सामने आएगी। आप कुछ तीर्थ स्थानों से संबंधित ले सकते हैं, अपने धर्म गुरुओं से संबंधित अपने सवाल जवाब बना सकते हैं, और पर्युषण पर्व चल रहे हैं, जिस ओकेजन पर आप प्रोग्राम कराएंगी उस ओकेजन से संबंधित सवाल जवाब आप उस पर बना के रख सकती हैं। आप इस गेम को कराना कैसे है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। होस्ट एक एक जितने भी मेंबर खेलना चाहेंगे, सबसे पहले आप उन सभी के नाम एक बॉल में चिट बना के डाल दें। फिर क्या करें, इसमें ज़्यादा मेंबर नहीं खेल पाएंगे, कुछ मेंबर देखेंगे और कुछ मेंबर जो लक्की होंगे वो आगे आएंगे। आप क्या करेंगे, सभी मेंबर्स के नाम एक बाउल में लिख के डाल देंगे। अब एक मेंबर चिट निकालेंगे, उसमें से सफल करके जिसका नाम आएगा उसे आगे बुलाइए खेलने के लिए। और सबसे पहले जो छोटे सवाल है उसे उसको पार करना होगा, उससे आप दो सवाल उससे पूछिए। दो सवाल को वो सही जवाब दे देते हैं तो वो उन्हें दूसरे बाउल जिसमें आपने